यार एक बार फिर से मैं आपको अपना प्रोजेक्ट मनोविद्या विहार का कंस्ट्रक्शन का अपडेट बता रहा हूँ, जिसका कि लोकेशन है मेन खगौल रोड, जो कि दानापुर से जब हम जाते हैं सगुना मोड़ की तरफ तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये प्रोजेक्ट पड़ता है। और इसके जस्ट फ्रंट साइड में आप देखेंगे रॉयल इन रिसॉर्ट्स करके एक मैरिज हॉल है, उसी लोकेशन में हमारा ये प्रोजेक्ट पड़ता है। जब आप सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन की तरफ जब आएंगे तो आसोपुर रोड, विजय सिंह यादव रोड को क्रॉस करने के बाद हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस के बाद राइट हैंड साइड में हमारा मेन खगौल रोड पे ये प्रोजेक्ट पड़ता है। 10-5 कट्ठे के लैंड में हम ये डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि बेसमेंट कार पार्किंग होगा। ग्राउंड फ्लोर जो है उसके ग्राउंड फ्लोर पर हम 2 शोरूम्स दे रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर, चारों फ्लोर पर 3-3 BHK का 3-3 फ्लैट है। अभी हमारे पास 3 फ्लैट अवेलेबल है, 1 सेकेंड फ्लोर पे और 2 फोर्थ फ्लोर पे, जिसकी टेंटेटिव साइज 1300 से 1500 स्क्वायर फुट का एरिया है। मेन खगौल रोड पे है, बहुत ही प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है। तो अगर कुछ इंक्वायरी हो आपको तो एक बार डेफिनेटली हमें फ़ोन करें। रेरा अप्रूव्ड है, बैंक से फाइनेंस है, टेंटेटिवली 1 से 1.5 साल के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को डिलीवर्ड कर देंगे। लोकेशन मैंने आपको बता दिया, कंस्ट्रक्शन का अपडेट मैं थोड़ा सा अंदर जाकर के आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये पाइलिंग कंप्लीट होने के बाद अभी बेसमेंट का काम चल रहा है, ऑलमोस्ट बेसमेंट भी कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद फिर हम ग्राउंड फ्लोर और फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्लोर की जो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था, चारों तरफ से हमने 6-6 फुट का टेंटेटिव जगह भी छोड़ा हुआ है। पूरा वेंटिलेटेड फ्लैट होगा। इनफैक्ट इन फ्यूचर में ये फ्लैट एज अ कमर्शियल एज अ ऑफिस स्पेस भी यूज कर सकता है कोई। तो लोकेशन बहुत प्राइम है, इसमें आप 3 BHK का, जैसे मैंने पहले बोला कि 3 इन्वेंट्री अभी अवेलेबल है। अगर कुछ क्वेरी हो तो हमें जरूर फोन करें। होप कि आपको ये कंस्ट्रक्शन अपडेट अच्छा लगा होगा। आप अपना और अपनी फैमिली का जरूर ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।